मीट और मछली के दुकानदारों के लिए जो रोड पर बैठ के बेचते हैं, हमारे धर्म के प्रति गलत बोले या फिर आघात करे, हमारे देश राष्ट्र के प्रति आघात करे, तो हमारे खिलाफ है। हम भी उसके नगर निगम बन गया तो आपके गांव में बिजली पानी सड़क इसका तो भरपूर साधन मिले। की बात जहां तक है जी, वोट के लिए मैं अपनी विचारधारा को बदलने, कहीं ना कहीं उनका विरोध जायज भी है, विरोध कीजिए, हम आपके साथ हैं। हम लोग खुद क्षेत्र में घूम रहे हैं तो हम लोग ऐसे जगह को देख रहे हैं जहाँ नगर निगम के बारे में लोग जानते हैं, इसमें कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, मतदाताओं को भ्रमित कर रहे हैं। जी जी, हो सकता है कि ये बात करने से उनको वोट मिल जाए, लेकिन एक बार आप लोग मौका दीजिए, हम लोग मिल के काम करेंगे और बेहतर से बेहतर करेंगे। तो आपके वार्ड में भी वही काम होगा जो लाल बाजार कोतवाली चौक कालीबाग में होगा, यही काम वहाँ भी होगा, तो इसलिए भ्रम कोई फैला रहा है तो इसके चक्कर में ना पड़े। नमस्कार, अभी हम बिहार के बेतिया जिला में हैं और वहां पर मैं बता दूं कि नगर निगम चुनाव को लेकर के काफ़ी ज़्यादा माहौल खड़ा हो रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद है बजरंग दल के कार्यकर्ता होते हुए इस समाज में समझिए खुले धूल से उतरने वाले हमारे साथ रमन जी भी मौजूद हैं और हम खास बातचीत करेंगे इस चुनाव को लेकर के कि आखिरकार इस नगर निगम पंचायत को जो चुनाव अभी होने वाला है बेतिया में, इन पर इनका क्या राय है और आखिरकार ये जो उतरे हुए हैं ना खुले दिल से जनता के पास, तो आखिरकार इनका विकास का काम क्या होगा और किस प्रकार से जनता का सेवा करेंगे। चलिए हम इनसे मिलते हैं और खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे न्यूज चैनल में। आपका भी स्वागत है, आपकी पूरी टीम का स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से मैं नगर निगम की पूरी जनता को हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूँ। सबसे पहला सर कि आपने शुरू से ही जनता का सेवा किया है और कहीं ना कहीं गौ हत्या का रोक भी किया है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे आपने आवाज़ उठाया है और जनता के बीच रह करके आज फिर से क्या मन में आपका सवाल आया कि आप चुनावी रैली में दौड़ना चाहते हैं। देखिए, आपके सवाल में भी आपका जवाब है जी। मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता हूँ, वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का जिला मंत्री हूँ जी, और विगत 12-13 सालों से मैं ये कार्य कर रहा हूँ जी। जी, पूर्व में मैं कार्यकर्ता था और मुख्य दायित्व में आए हुए 10 साल हो गए हमको लगभग। आपके आपने जो सवाल किया है जी, जी, कि जनता का सेवा करते रहते हैं और क्या मन में आया कि आप चुनावी में उतरे, तो सीधा जवाब है कि देखिए, बजरंग दल के कार्यकर्ता या फिर कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता जुझारू होता है जी, जी, और इस जुझारूपन को और जुझारू बनाने के लिए जनता के लिए जो हम संगठन करता होते हुए भी न कर पाए उसलिए आज चुनाव में आए हैं कि नगर निगम के अंतर्गत जो कार्य हम लोग संगठन करता होते हुए नहीं कर पा रहे हैं, नगर निगम की जनता का आशीर्वाद मिलता है तो निश्चित वो कार्य जनता के लिए करेंगे। और क्या विकास करना चाहते हैं जीतने के बाद? देखिए, बेतिया नगर परिषद से नगर निगम पहली बार हुआ है जी, और आप सभी जानते हैं कि यहाँ कार्य जो भी नगर निगम बनने के बाद कार्य होंगे और कार्य के लिए बहुत सारा योजना भी आएगा, उन सभी योजनाओं को सही लोगों के पास तक पहुँचे, बेतिया के विकास में चार चांद लगे, बेतिया जो कुछ लोगों के द्वारा पिछड़ा हुआ है आज तक नगर परिषद की जो स्थिति रही है हमेशा संघर्ष करने को मिल रहा है, कभी उतार चढ़ाव, कभी उसको उतारो उसको गिराओ उसको चढ़ाओ, ये सब लगा रहता है, लेकिन अभी संयोग से और बहुत अच्छा भी बात है कि पब्लिक डोमेन में चुनाव आ गया है, जो भी तय करेगी वो जनता तय करेगी, इसलिए अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव जनता करे, ये ऐसा आग्रह भी जनता से है, अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करे जो बेतिया को वास्तविक पहचान दिला पाएँ, बेतिया को विकासशील बेतिया बेहतर बेतिया बना पाएँ और बेतिया को जो उसकी वास्तविक पहचान है, जो बेतिया को हम लोग बोलते हैं ना मंदिर मठों का शहर है, बेतिया पावन पवित्र जगह है, ऐसा संकल्प जिसके पास हो बेतिया को जो और बेहतर ढंग से सजा पाए संवार पाए, उनको इस चुनाव में आप लोग लाइए, ऐसा एक आग्रह है। मैं आपके न्यूज़ में सुना हूँ आपने बोला था कि कुछ मछली वगैरह काटने वाले हैं, जो मीट वगैरह काटते हैं, जो कहीं बैठ के काटने लगते हैं, उनके बारे में क्या सोच रखी? देखिए, हमारे पास हमारे घोषणा पत्र में भी मीट और मछली के दुकानदारों के लिए जो रोड पर बैठ के बेचते हैं, एक तो उनको परेशानी भी होती है और दूसरी जो लोग गुजरते हैं उनको भी परेशानी होती है, होती है। और परेशानी
में रह कर ही वो काम, कहीं बैठ के बेचना, नाली के किनारे बैठ जाना, मंदिर के सामने बैठ जाना, मठों के आसपास बैठ जाना, कूड़ा अभी जाकर देखिए हजारी कैंप में पूरा कूड़ा का अंबार लगा है, वहाँ मछली बिक रहा है, वही मछली लोग ले आकर बना रहे, खा रहे हैं। तो हमारे पास ऐसा योजना है कि नगर निगम के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे जमीन है जहाँ पे दुकानें बनाई जा सकती हैं। बाहर में भी हम लोग देखते हैं कि खाली जगहों पे नगर निगम का दुकान बनता है, उसको आमंत्रण किया जाता है। तो मेरे पास ऐसा योजना है कि मीट और मछली की दुकानदारों के लिए हम दुकान बनाकर आवंटन करवाने का प्रयास करेंगे, जिनसे वो दुकानदार बंद हो, इज्जत की रोटी कमा पाएँ, और जो रोड पर फुटपाती कहे जाते हैं वो भी शटर बंद दुकान में अपनी अपना व्यवसाय अच्छे ढंग से कर पाएं, ऐसा योजना है वो मीट के दुकानदारों के लिए भी, मछली के दुकानदारों के लिए भी। कुछ और सवाल हमारे जनता का है जो हम आपसे रखना चाहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि रमन कुमार जी मतलब हिंदू धर्म से हैं, है ना, और क्या इनको हिंदू धर्म का ही वोट चाहिए या मुस्लिम धर्म का वोट चाहिए? देखिए, धर्म से तो मैं हिंदू ही हूँ, बजरंग दल का आजीवन कार्यकर्ता भी हूँ। जी जी, वोट की बात जहाँ तक है, जी वोट के लिए मैं अपनी विचारधारा को बदल नहीं सकता हूँ। जी, मेरे विचारधारा, मेरे लाइन पर जो मेरा लाइन है, जी जी, अगर आपको सूट करता है तो आपका स्वागत है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी धर्म के खिलाफ बोल रहा हूँ, धर्म तो नहीं, समुदाय हम कहेंगे, जी जी, उसके खिलाफ मैं बोलता हूँ। मैं अपनी बातों को मजबूती से रखता हूँ, और लोकतंत्र में अधिकार भी मेरा है कि अपनी बातों को मजबूती से रखना। मैं किसी भी संप्रदाय, किसी भी समुदाय के खिलाफ या उसके बारे में गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ऐसा मेरा संस्कार जी है, जी, ऐसा मेरा संगठन भी बताता है। हाँ, लेकिन जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, जो भारत माता को माता नहीं दूसरा चीज कहते हैं, जो किसी धर्म को गलत शरत बोलते हैं, किसी देवी देवता को गलत शरत बोलते हैं, वो हमेशा हमारे खिलाफ है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यानी कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो भी शामिल हो वो उससे मेरी नहीं बनेगी, स्पष्ट लाइन है। जिस रास्ते पर हम चलते हैं, अगर हमारे घर का इंसान क्यों ना हो, अगर उस रास्ते पर नहीं चलता है तो समझिए वो हमारे खिलाफ है। हम उसके खिलाफ हैं, हम उसके खिलाफ, हम उसके खिलाफ हैं, जो हमारे धर्म के प्रति गलत बोले या फिर आघात करे, हमारे देश राष्ट्र के प्रति आघात करे, तो हमारे खिलाफ है, हम भी उसके खिलाफ हैं। वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, किसी धर्म के लोग, बड़ी कोई हो, उससे कहीं कोई ये नहीं है। एक और सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव को लेकर के कहीं खुशी का माहौल चल रहा है तो कहीं कहीं विरोध किया जा रहा है, और आजकल आप देख ही रहे कि जो नया नया पंचायत जुड़ा हुआ है, 7 पंचायत जुड़ा हुआ है, तो उन लोगों का कहना है कि हम वोटिंग नहीं करने जाएंगे और मेरा पंचायत फिर से वापस चाहिए, इस पर आपकी क्या राय? देखिए, वोटिंग नहीं करना ये उचित नहीं है जी। लोकतंत्र में मतदान ही ऐसा एक शक्ति है, अपना पावर है, कि उसका इस्तेमाल हर एक व्यक्ति को निश्चित करना चाहिए, और आपका विरोध, अगर आपको विरोध है तो आप उसे लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। हाँ, कुछ बातें हम कुछ न्यूज़ में भी देखें, कहीं ना कहीं उनका विरोध जायज़ भी है। हम लोग खुद क्षेत्र में घूम रहे हैं तो हम लोग ऐसे जगह को देख रहे हैं जहाँ नगर निगम के बारे में लोग जानते भी नहीं, और उन उस जगह को लाना उचित भी नहीं था, ऐसा हमको भी लगता है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं किसी संस्था को या फिर किसी राजनीतिक दल को ऐसा उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बातें व्यक्तिगत विचार रख रहा हूँ कि मेरे घर के बगल में जो एरिया है, जैसे संत घाट, खिरिया घाट, खुशी टोला, चौधरिया टोला, बैरिया प्रखंड के अंतर्गत जो भी आते हैं, वो एरिया को एकदम शहर से सटे हुए हैं, लगभग लोकेलिटी बराबर है, उस एरिया को छोड़ दिया गया, ऐसे ऐसे एरिया इसमें ऐड किए गए हैं, ऐसे ऐसे एरिया जुड़े हैं जहाँ हम लोग घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि भाई यहाँ नगर निगम, खुद हम लोग अचंभित हो जा रहे हैं कि यहाँ नगर निगम, तो थोड़ा सा हमको लगता है कि इस पे विचार करना चाहिए था। अब हो सकता है कि नहीं ये हम नहीं बता सकते हैं, चूँकि ये तो खैर सरकारी संस्था का काम है और हम लोग किसी भी माननीय संस्था के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करते हैं। कुछ लोग यानी कि कुछ प्रत्याशी हमारे बोल रहे हैं कि जीतने के बाद इस काम को हम पूरा कर देंगे, तो क्या ये बात सही है? आपको लगता है सही है? ये सब्जबाग दिखा रहे हैं और मतदाताओं को भ्रमित कर रहे हैं। जी जी, हो सकता है कि ये बात कहने से उनको वोट मिल जाए, लेकिन
वो ठगे जा रहे हैं इस बातों से, उनको ये नहीं बोलना था, ये बोलना था कि भाई साहब अब तो जो हो गया वो हो गया, आप लोग विरोध कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम अपने लेवल पे जो भी मदद हो सकता है हम आपका करेंगे, लेकिन चुनाव का बहिष्कार के लिए तो हम भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि मतदान का बहिष्कार नहीं किया जाता है। बड़ा ही ये एक ताकत है लोकतंत्र का, अधिकार जिसको हम लोग बोलते हैं, मतदाताओं का, हर एक आदमी का ये ताकत है और इसका इस्तेमाल होना चाहिए। आप नोटा दीजिए ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई आपको विरोध है या फिर प्रत्याशियों से विरोध है आप नोटा पे दबाइए, लेकिन मतदान केंद्र तक जरूर जाइए। आप नोटा भी दबाते हैं तो वो जब काउंटिंग होगा तो देखेगा लोगों ने आखिर क्या करने की कितना नोटा लगा जी। इस नगर निगम के अंतर्गत जितने भी जनता हैं, जिनके मतलब पंचायत नया नया जुड़ा हुआ है, उनका कहना है कि अगर नगर निगम में हम लोग हो जाते हैं तो हमें हर चीज़ का टैक्स भरना पड़ेगा। यानी कि जैसे मैं बता दूं कि खाली खेत हो हमारा या खाली गुमटी हो हमारा या खुद का मकान हो, फिर भी उसका टैक्स भरना पड़ेगा, क्या ये कहाँ तक सही है सर? देखिए इसमें कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। वहाँ के लोकल जो प्रतिनिधि हैं उनको ये भ्रम दूर करना चाहिए, या फिर जो हमारे प्रतिनिधि हैं जिनसे लोगों की अपेक्षाएं, जिनका बात लोग समझ पाते हैं या सुन पाते हैं, स्वाभाविक है कि जो भी प्रतिनिधि हैं हमारे बड़े प्रतिनिधि उनका बात निश्चित समझेंगे, वो योजना के बारे में पूरा स्पष्टीकरण दें कि भाई इससे आपको ये नफ़ा है ये नुकसान है। आपने देखा है कि भ्रम में रह के बड़े बड़े चिंगारी छोटे से हो गए, सोलह बन जाता है। आपने अग्निवीर देखा, अग्निवीर में कैसे डाउट्स क्लियर नहीं किए गए और गलत लोग उसको कुछ और अलग सोच रहे थे, दूसरे जगह पे उस चीज़ को घुमा दिए। तो डाउट क्लियर होना चाहिए और मतदाता अपने हैं, आपके हैं, अपने गांव के हैं, तो उनका डाउट क्लियर होना ही चाहिए। जो जनप्रतिनिधि हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि भाई ये नगर निगम बन गया तो आपको ये फायदा भी होने वाला है। नगर निगम बन गया तो आपके गांव में बिजली पानी सड़क इसका तो भरपूर साधन मिलेगा। आप जो पानी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक साल हो गया लेकिन अभी तो कोई मतलब ऐसा लगता नहीं है कि नगर निगम का जो फायदा है वो मिला है। अरे तो अभी नगर निगम बोर्ड भंग है तो कहाँ से मिलेगा, चुनाव ही नहीं हुआ। चुनाव होगा, बोर्ड की बैठक होगी, तब ना योजनाएं निकलेंगी। और ये सारा चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर दूँ कि नगर निगम बनने के बाद सुविधाएं तो अपार मिलेंगी, इसमें कहीं कोई दौरा नहीं है। ये नहीं है कि लाल बाजार में जो सुविधा है वो वहाँ किसी दूसरे क्षेत्र में या पंचायत जो भी टिपरा में नहीं होगा, सेम सुविधा रहेगी, हर वार्ड का योजना सेम रहेगा। वो आपके वार्ड में भी वही काम होगा जो लाल बाजार कोतवाली चौक कालीबाग में होगा, यही काम वहाँ भी होगा। तो इसलिए भ्रम कोई फैला रहा है तो इसके चक्कर में ना पड़े, अपना बुद्धि विवेक लगाएं और सही लोगों का चुनाव करें, ऐसा भी एक आग्रह आपसे हम कर रहे हैं। एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं जो समझिए कि सबसे ज़्यादा मतलब गंभीर सवाल है और सभी लोग इस सवाल को इसका जवाब लेना चाहते हैं कि आखिरकार रमन जी जीतने के बाद बेतिया में किस प्रकार से विकास लाना चाहते हैं? देखिए हमारे पास अपने घोषणा पत्र का जिन बिंदुओं को मैंने अपने घोषणा पत्र में दिया है उन सब के लिए हमारे पास मास्टर प्लान तैयार है। वो चाहे अस्पतालों में 100% लाभ दिलवाने की बात मैंने कही है गरीब मरीजों को, या फिर जो भी जरूरतमंद मरीज आते हैं उनको अपने घर से देना नहीं है, सरकार जो योजना सरकार में दे रही है अस्पताल में दे रही है वो उन सभी मरीजों को 100% मिले, इसका योजना भी मैंने तैयार किया है। कैसे ट्रैफिक से, यहाँ बहुत बड़ा समस्या है ट्रैफिक का बेतिया के अंदर, कैसे रोडों को वन वे करना है, कैसे ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करनी है, इसके लिए भी अपने पास कार्य योजना तैयार है। बेतिया की एक और बड़ी समस्या है जल जमाव, उसके लिए भी हमारे पास ब्लूप्रिंट तैयार है। और ये सारी योजनाएं तभी संभव है जब जनता जनार्दन हमको लाएगी चुनकर, और अपार समर्थन भी आप लोगों का मिल रहा है। अभी हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे एक प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, और हम लोग खुशकिस्मत भी है कि भाई इतना समर्थन लोगों का मिल रहा है, जो हमने आज तक किया है उसका प्रतिफल आज हमको दिख रहा है। और हम सबसे आग्रह भी करते हैं कि आप लोग एक बार ज़रूर मौका दीजिए कि बेतिया के लिए कुछ सोच, जो हमने संकल्प लिया है हम सब ने मिलकर, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं है आप सबकी है, बेतिया को बेहतर बनाने का संकल्प आप लोग भी लिए होंगे, हम भी लिए हैं कि बेतिया से
गौहत्या मुक्त कराना है, बेतिया की मंदिर मठों की व्यवस्था करानी है, बेतिया को पावन पवित्र बनाना है, बेतिया को जल जमाव मुक्त कराना है, और उस सबके लिए मास्टर प्लान है अपने पास। एक बार आप लोग मौका दीजिए, हम लोग मिल के काम करेंगे और बेहतर से बेहतर करेंगे। इनका कहना है कि आपके पास भी एक दिमाग है, अपने दिमाग को दौड़ाइए और किसी के बहकावे में ना पड़ के अच्छे व्यक्ति का साथ दीजिए जो आपका भला करे। मैं बता दूं कि अभी हमारे साथ मौजूद है रमन जी, जो समझे कि लगातार सेवा करते आ रहे जनता का और फिर से सेवा करने के लिए खड़े दिल से उतरे हुए हैं, और पहले भी ये काफ़ी ज़्यादा गौ हत्या को लेकर के पर काफ़ी ज़्यादा सवाल जो भी इनके मन में आया आज तक बहुत लड़े हुए हैं, लेकिन फिर से जनता का सेवा करने के उतरे हुए हैं। तो आप लोग का विचार है, मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, और आप सभी देख रहे हैं तत्काल न्यूज। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, तब तक के लिए जय।